नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ प्रीति। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपने हालात की तुलना दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत से कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरीके से दौड़ाया जा रहा था, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था, ठीक उसी तरह बर्ताव उनके साथ भी किया जा रहा है। पुलिस उनका FIR दर्ज नहीं कर रही है, उन्हें काफी दौड़ाया भी जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले खेसारी लाल यादव ने CM नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी। मामला जुड़ा हुआ है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से, जहां पवन सिंह के एक फैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था जिसमें वो खेसारी लाल यादव को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और खेसारी लाल यादव के फैमिली के बारे में भी अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे, जिसका वीडियो खेसारी लाल यादव ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने CM नीतीश कुमार से गुहार लगाई कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। और अब उन्होंने एक नया पोस्ट किया है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज बिहार पुलिस मेरे साथ भी वही कर रही है जो कुछ वक्त पहले भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। ये वही समूह है जिन्होंने अपने मन से FIR करके पूरा नाटक किया, जिनसे इनको राजनीतिक लाभ मिला या मिलेगा। और आज मुझे हर तरीके से दौड़ाया जा रहा है, FIR दर्ज भी नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव अपने हालात की तुलना दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत से कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने CM नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा था और मदद की गुहार लगाई थी। और अब कह रहे हैं कि पुलिस उनका FIR ही दर्ज नहीं कर रही है, पुलिस उन्हें दौड़ा रही है। दरअसल ये मामला खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच एक उठा पटक को लेकर के शुरू हुआ, जहां पवन सिंह के एक फैन ने खेसारी लाल यादव के फैमिली के बारे में काफी कुछ कहा था, जिसे लेकर के खेसारी लाल यादव ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। और अब उन्होंने एक नया पोस्ट किया है जहां वो तुलना अपनी दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत से कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जैसे ही अपनी तुलना दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत से की, सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ही ट्रोल करने लग गए और कहने लगे कि तुम नाटक कर रहे हो। अब ऐसे में देखना होता है कि खेसारी लाल यादव आगे क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।